इस भाई का बर्थडे है भाई, इधर देखना। नीलकच्छा पहन लिया उन्होंने, नीलकच्छा दिखाना। मैंने ना दारू छोड़ दी हमेशा के लिए। तुमने छोड़ सकते कोई दारू? दारू जिम भी नहीं गया क्योंकि शरीर थका थका, ऊपर से काम। हैप्पी बर्थडे भाई। पुलिस बुला लेंगे ये लोग। आपका कहना क्या है कि भाई मैं दोबारा दारू चालू करूं? बंद हो गया था भाई ने, फिर भी खिलाया। ठीक है भाई, भाई संगीता रसोई जा रहे हैं तो संगीता भी मिलेगी ना। मेरा प्यार तो तू है, दारू थोड़ी है। आइए देखते हैं बैरचंद मजा आएगा। सो हाँ भाई, कैसे हो आप सब लोग? होप करता हूँ भाई सारे बढ़िया हो गए और अपने घर पे मौज की जिंदगी काट रहे हो गए। सो भाई वेलकम टू न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू भाई, पिछले व्लॉग में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए, अटमोस्ट मतलब कि सारी वीडियोस को मिला के सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसमें थे, तो भाई थैंक यू भाई। लेकिन भाई लाइक भी करा करो भाई, बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने देखी लेकिन लाइक बहुत कम ने करा। सो भाई प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दोनों करा करो, बाकी कोई नहीं, धीरे धीरे ग्रोथ होगी, चलता रहेगा ये सब। तो भाई आज का सीन ये है कि रात के 10 बज रहे हैं और ब्रो मैं सो चुका था बिल्कुल, क्योंकि आज मेरी सुबह काम था तो मैं आज आ गया था 4 बजे दोपहर को, तो मैं आगे खाना बना के खा के सो चुका था। और अभी अभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया है कि उसका बर्थडे है आज, और मेरा आज कोई सीन नहीं था कि मैं चला जाऊं उसके पास क्योंकि मैं सो चुका था, बिल्कुल डेड ही था ऑलमोस्ट। मैं 8 बजे सोया था, 2 घंटे हो चुके थे मेरे को सोए हुए, लेकिन उसका फ़ोन आया कि आज घर पर पार्टी कर रहे हैं, प्लीज़ आ जा, अच्छा नहीं लगता, सारे घर पर वेट कर रहे हैं, सारे घर पर हैं। तो ब्रो मैं वही अभी अभी उठा हूँ, बस मुंह धोया है, और उसने कहा कि तैयार होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे भाई हैं वहाँ पर, तो वहाँ चलते हैं। आते हैं, एक बारी वो आता है तो मैं उससे मिलवाता हूँ। सारे कमेंट्स में उसको हैप्पी बर्थडे बोल देना ताकि वो भी खुश हो जाए, और बने रहो साथ में, और आगे बहुत बहुत सेक्सी व्लॉग्स आने हैं। सुखराज भाई के घर आ गए हैं, इस भाई का बर्थडे है भाई, इधर देखना भाई। ये बहुत ज़्यादा मतलब कि कैमरा शाय है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भाई देख ले हैप्पी बर्थडे तो बोल रहे हैं, हैप्पी बर्थडे भाई को। ये बॉय, तो भाई आगे चलते हैं और अंदर का सीन दिखाते हैं। देखो अभी आप देख लो अंदर का सीन। ये भाई भाई पहले ही सेट हो गया क्या तू दारू पीने से? भाई लाइव तो रही है ये, अच्छा ठीक है समझ गया। कोई नहीं भाई, बकचोदी कर रहा है, चलो ब्रो आ। ओके ब्रो, अरे मुंह नहीं आ रहा भाई, नाम दिखा दे। हैप्पी बर्थडे भाई। ये भाई है, शेर जिग रहा है। भाई यहाँ चिकन बन रहा है, बर्थडे बॉय बना रहा है भाई। कैसा बना है चिकन?
सेक्सी हाँ तेरी ए ब्रो कैसे हो भाई आके ना शीली की हो रही है तुम्हारी चिकन चिकन दिखाओ ओ तेरी बहन चो परात बना दी पूरी बहन चो लंगर लगाना है क्या भाई बहुत स्वाद बना बाकी चेक कर लो कमेंट में बताना कैसा है ओए होए बहन तू बड़ा स्वाद लग रहा है माँ कसम बढ़िया बनाया भाई बहुत बढ़िया भाई तुमने बनाया ये भाई कैटरिंग करता है बुला लेना रात को पार्टी के बाद सो गया था और अब सुबह सुबह उठ के काम पे आया हूँ और काम पे भी लेट हो गया था तभी मेरे को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती अब कि भाई हमारे काम पे इफेक्ट आए भाई मैं इतना लेज़ी हो गया हूँ ना मतलब कि यार हाँ विस्की पीने के बाद बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाता है बंदा अब मैं 5 दिन से जिम भी नहीं गया क्योंकि शरीर थका ऊपर से काम इसलिए अब यार पीनी बंद करेंगे आज एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि भाई नो अल्कोहल फॉर सम टाइम मतलब कि 3 या 4 महीने तक वो मैं अगले व्लॉग में बता दूंगा प्रॉपर एक तो दिक्कत ये है मैं यहाँ काम करता हूँ देखो सीन देखो तुम मैं वहाँ शॉप पर ड्रग मार्ट में काम करता हूँ वो मेरे शॉप पर के सामने ही बिल्कुल वो LCBO है यहाँ पे दारू मिलती है तो बंदा थका होता है तो फिर बस यहीं घुस जाता है लेकिन भाई अब छोड़ेंगे और अपना जिम पे वापस फोकस करेंगे क्योंकि पहली बॉडी थोड़ी सी ख़राब होनी चालू हो गई है आज इस प्लाज़ा में भीड़ नहीं है क्योंकि आज ना हॉलीडे है मतलब कि स्टैट हॉलीडे तो सारी चीज़ें बंद ही है लेकिन मेरा स्टोर खुला हुआ है सो और मेरा ब्रेक भी चल रहा है बाकी आगे का सीन देखते हैं लेकिन आज भाई एक रेजोल्यूशन है कि अब ना करना ही नहीं पीनी ही नहीं भाई थोड़ा टाइम कोई पार्टी नहीं कोई कुछ नहीं सिर्फ काम पे ध्यान देना और बॉडी पे ध्यान देना है रेगुलर व्लॉग रखेंगे अपना काम पे ध्यान देंगे One eternity later. तो हाँ भाई कैसे हो आ गया ब्रो काम से बस रास्ते में हूँ 5 मिनट पहले ही निकला हूँ तो अभी 10 मिनट और लगेंगे पहुँचने में सो वहाँ पहुँचते हैं फिर देखते हैं क्या सीन है घर पे और बाकी अपना रेजोल्यूशन इन है ब्रो लेकिन मैंने उसके अंदर एक चीज़ ऐड और करी है मैं हर रोज़ 10 मिनट फ्रेंच पढ़ूंगा ड्यूलिंगो ऐप है वहाँ से तो वहाँ से फ्रेंच पढ़ते हैं हर रोज़ 10 मिनट और मैंने अभी 2 महीने का रखा है कि मेरे को 2 महीने बिल्कुल भी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाना और ना ही वेप वाप पीना है अपना प्रॉपर जिम प्रॉपर डाइट और बाकी भाई व्यू देख लो पीछे बस अब मैं घर ही जा रहा था बाकी देखते हैं भाई सीन क्या सीन बनता है फटाफट तैयार होते हैं टोरंटो निकलते हैं और तुम्हें वहाँ मिलते हैं और अभी मैं इसके बाद अपने दोस्तों को फ़ोन करके वीडियो कॉल उनके रिएक्शंस लेने वाला हूँ कि भाई मैंने ये रेजोल्यूशन लिया है तो उनके वो पूछते हैं मतलब कि उनका क्या इनके ऊपर विचार है इस बात के ऊपर भाई देखना भाई बड़े हरामी हैं कैसे कैसे जवाब देंगे बाकी चलो मैं फटाफट निकलूँ और तैयार हूँ और फिर तुम्हें मिलते हैं टोरंटो में भाई आयुष क्या हाल है कहाँ घूम रहा है कॉलेज पेपर है अभी 1 घंटे बाद तेरे से बात करनी थी भाई तेरे से एक चीज शेयर करनी थी मैंने ना दारू छोड़ दी हमेशा के लिए और मैंने रेजोल्यूशन ले लिया कि अब बिल्कुल भी दारू नहीं पीऊंगा फिर अब क्या फायदा है इंडिया तो आई हुई मत ले जो वहीं पर फिर यहाँ के मान ले तू यहाँ आए हाँ यहाँ के हम करेंगे क्या तेरा क्या करूँ मिलने आएगा क्या करेगा माइश को बर्गर खाएगा मोमोज खाएगा चलना भाई यार अब क्या करूँ अब तू ये बता रहा अब रेजोल्यूशन ले लिया भाई अब तो मैं कोई सीन नहीं है अरे रेजोल्यूशन 1 जनवरी को लिया जाता है आज 1 जनवरी है नहीं तो आपका कहना क्या है कि भाई मैं दोबारा दारू चालू करूँ तू अमीर है ना तेरा कुछ पता थोड़ी है तूने लगवा रखा हो
अब एक बात करनी थी तेरे से भाई। भाई मैंने ना रेजोल्यूशन लिया है कि मैं ना बिल्कुल भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करूंगा और ना ही वेपिंग करूंगा। तो इसमें तेरे क्या विचार है? मेरे विचार ये बैन के लड़ो, तुमने छोड़ सकते कोई दान दे रहा। क्यों भाई? तुम्हारे देखो याद है बैन जो जब हम दोनों बैठे थे इकट्ठे पी रहे थे तो सामने के भगवान जी पड़े ओ की आवाज। तूने मेरे को कहा था भाई भगवान जी देख रहे हैं, जब हमको एक काम कर मोड़ा थोड़ा उस तरह देख लेंगे। हाँ याद है भाई, याद है याद है याद है। तूने कहा था अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ना दारू छोड़ दिया, इस पे तेरे क्या विचार है? क्या कह रहा है? मैंने दारू छोड़ दिया, तेरे इस पे क्या विचार है? घंटे छोड़ चुका है तू। क्यों भाई छोड़ दी? सच में छोड़ दी? ओ तू और छोड़ दे दारू, पागल हो गया क्या? क्यों भाई? प्यारी दारू है तेरा, प्यारी दारू है बहन। तो मेरा प्यार तो तू है, दारू थोड़ी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? घंटा वो दे देंगे दारू डब्बे में ले आए। नहीं भाई पागल है क्या? तू दारू छोड़ देगा? अरे बता भाई कुछ है? ये भाई क्यों नहीं छोड़ सकता दारू, ये बता पहले मेरे को। तू नहीं छोड़ सकता भाई, तेरे तूने इतने ठोकर खा रखे हैं, तेरे को बड़े कम पड़े हैं यार, तू कैसे छोड़ सकता है। सो अपना राइड वाला भाई भी आने वाला है 5 मिनट में, तो आउटफिट चेक कर लो। डेनिम नीचे प्लेन ब्लैक और नीचे ये अपनी ब्लैक जीन्स और नाइकी के शूज। सो सही लग रहा है, चलते हैं। अभी तो भाई बोल रहा है मैं काम पे हूँ, तो उसके घर जाके पहले सो जाऊंगा यार थोड़ी देर, क्योंकि बहुत दिन हो गए ढंग से सोया ही नहीं हूँ। फिर वो दिखाऊंगा तुम्हें 60 दिन की ट्रांसफॉर्मेशन। और भाई बाकी ये लाया था मैं परफ्यूम नया गैस का, ठीक है भाई? बहुत ही प्यारा है भाई, बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो मिलते हैं बाकी। मैं सो गया और अब उठा हूँ, अभी रात के 12 बज रहे हैं। भाई का फोन आया कि मेरे पास आ जाओ कुछ खा लेते हैं। बस अभी बस में बैठ गया और भाई के पास चल रहे हैं, कुछ खाएंगे। स्मार्टी भाई ऐसे ही है भाई, मजदूरी करके आ रहा है भाई, है ना? क्या हाल है भाई? कैसा? बड़ी बढ़िया। क्या सीन है भाई? अभी भाई वो लड़की पता क्या कहती भाई, वो देखो खड़ी क्या कहती, आर यू लुकिंग फॉर समथिंग? मैं कहता नहीं, वो देखो वो खड़ी, वो देखो खड़ी, केस करती तेरे पे हैं, वो खुद बोल रही है। मैंने क्या कहा उसको? नहीं नहीं वो कह रही है लुकिंग फॉर समथिंग, उसका नहीं मतलब क्या ढूंढ रहा है? अरे मैं खड़ा यहां पे सज धज के चैनल ये देखो भाई स्मार्ट, देखो कितना लग रहा। क्या बोल रहे खुद को पता है भाई? शानदार जगह है, लिटरली इतनी भीड़ है लेकिन शांति है। शांति तो बोला ही नहीं, मतलब की शानदार जगह है, भीड़ है, बहुत मजा आ रहा है। लोडू पुलिस बुला लेंगे ये लोग। भाई संगीता रसोई जा रहे हैं, तो संगीता भी मिलेगी वहाँ? आजा मेरी ककड़ी, आजा मेरी ककड़ी। रसोई मिलेगी? संगीता चाहिए मेरे को। संगीता मिलेगी, मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा आपको। अबे यार भाई ये चुप हो जा। चलो मोमोज खा लेते हैं, फिर भूख लगेगी तो कुछ और खा लेंगे। भाई खा के बताओ कैसे हैं? मोमोज खा रहा है भाई, खाओ पहले टेस्ट बताओ मेरे को, फिर खाऊंगा मैं। भाई बहुत क्रेजी लग रहे हैं। ये क्या है? नूडल्स आ चुके हैं, आ जाओ सारे। सो भाई खाओ, बताओ भाई कैसा है? है मस्त भाई, इतने टाइम बाद, मतलब कि मैं जब से कनाडा आया हूँ तब से पहली बार खा रहा हूँ नूडल्स, और वो भी भाई बिल्कुल इंडिया वाला स्टाइल लग रहा है प्रॉपर। थैंक यू आपको भाई, बंद हो गया था भाई ने फिर भी खिलाया, ठीक है भाई। थैंक यू ब्रो, मिलते हैं आपको दोबारा। ओके ब्रो। भाई आ गए भाई, सब कुछ खा पी के पेट भर गया पूरा, देख ही लिया होगा तुमने। तो भाई बिल्कुल क्रेजी सीन था वहाँ पे, मोमोज और
नूडल्स तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी थे। बाकी हमने पिज्ज़ा सोचा था लेकिन हमारा पेट भर गया, अभी हमें भूख लगेगी तो अभी हम रात को मंगा लेंगे। तो बाकी चेक करते हैं, अब बस सोने की तैयारी हो रही है, मैं भी बस कपड़े बदलूँ। भाई ने बदल लिया, भाई ने नीला कच्छा पहन लिया, उन्होंने नीला कच्छा दिखाना भाई चाह रहे हैं। इसकी खूबसूरती का राज नीला कच्छा, इसकी खूबसूरती नीचे लोग सो रहे हैं, गांडू नीचे लोग सो रहे हैं, सुबह मेरे को बोलेंगे।